भूतों प्रेतों की कहानियां तो आपने जरूर सुनी होंगी, पर क्या भूतों प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूं कि भूत सच में होते हैं या नहीं, या फिर ये हमारी दिमाग में बनाया गया एक भ्रम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं और फिर ये बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि जो लोग भूतों पर यकीन करते हैं उन्हें भी समझ आ जाए और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें भी पता लग जाए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी यानी शारीरिक काया खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है। जो लोग भूत में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा ना हो पाया हो। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। भूतों को लेकर एक और विचारधारा है कि अगर कोई आत्मा को आपसे बात करनी है तो सडनली वो आपके सामने आकर बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती है? ये रात में ही क्यों दिखाई देती है? और अब साइंस के हिसाब से वो रात में इसलिए आती है क्योंकि उस समय ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस भी कम होती है। भूतों की प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। और दिन के समय में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है और रात के समय में कम होती है, और इसी के चलते भूत ज्यादातर रात को ही दिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ।